अर्चना जी, हर इंसान के लिए नाम की बड़ी अहमियत होती है। हाँ। जैसे मैं पैदा हुआ ना, मेरा दो चार साल तो किसी ने नाम ही नहीं रखा ना, सिर वो हेलो छोटू ये कह के बुलाते रहे। उसके बाद जब कपिल देव साहब वर्ल्ड कप जीत के आए, फिर मेरा नाम कपिल रखा। सोचो अगर वो वर्ल्ड कप जीते ही नहीं तो मेरा कुछ भी गोलू मोलू रख देते। अच्छा आदमी का नाम गोलू रख दो ना, वो फिर पतला होने की कोशिश भी नहीं करता, क्योंकि वो मान ही लेता कि मैं गोलू। जैसे आपका रख दिया अर्चना, आपने मान ही लिया आप लेडी हो, तो उस सोचो आपका पहला नाम जो था गजेंद्र सिंह रख के आप बैठी होती तो अच्छा। अपने यहाँ रिवाज है ना, जन्म पत्री पहले बनाते हैं। हाँ। फिर अक्षर निकलता है। हाँ। पहला अक्षर जो निकलता है उसके नाम पे नाम रख लेते हैं, जैसे था चा झा छा। हाँ। छा भी होता है पता आपको, चनू नाम ऐसे ही आते हैं। अच्छा छा से। हाँ। हर अक्षर से नाम हो जाता। हाँ। है ना। अच्छा भ आए तो चलो भोलू रख दिया, ये थोड़ी झ आए तो झोलू रख दो। तो मतलब हर जगह नहीं भी वर्क करता है कभी कभी। झोलू। अब सीरियस हुए नाम को लेके, पहले कहाँ ये सब होता था। बच्चा मंगलवार को पैदा हुआ मंगलू, बच्चा गर्मी में पैदा हुआ तपन, सर्दी में पैदा हुआ शरद, बरसात में पैदा हो गया सावन। अच्छा सारे सावन खत्म हो जाते, ये लोग लगे रहते, इनकी पॉपुलेशन में कंट्रोल ही नहीं है। कुछ लोग ताऊ लोग बड़ा ज्ञान देते हैं, बेटे नाम में क्या रखा है। अच्छा इनका आप शादी के कार्ड पे ना छपवाओ नाम, एक तो रिश्ता तोड़ के जाते, दूसरा जो आपका बाहर स्कूटर खड़ा है उसकी सीट पे थूक के जाएंगे वो अलग। अच्छा लोग नाम कमाने के लिए क्या क्या नहीं करते। अर्चना जी ने एक बार क्या किया, ऐसे छोटी से ट्रक खींचा था। अच्छा वो रिकॉर्ड बन गया, उनको लगा कर्तव्य दिखा रही, हालांकि इनकी मजबूरी थी। क्यों? फैमिली को लेके जा रही थी कहीं घुमाने। अच्छा कुछ जो बाप लोग होते हैं ना, अपने बच्चों से ज्यादा उम्मीद रखते हैं। अच्छा। कि ये बड़ा होके मेरा नाम रोशन करेगा। हाँ। और फिर बच्चे बड़े होने से डरते हैं कई। ये वही बच्चे होते हैं जो 15 साल की उम्र तक डायपर पहन के घूमते रहते हैं। कुछ बापों की आदत बड़ी होती है ना, बच्चों को सुनाते बड़ा, तेरी उम्र में मैं साइकिल पे स्कूल जाया करता था, तेरी उम्र में मांग के किताबें पढ़ता था मैं, एक ही ड्रेस धो के पहनता था। बच्चा बोले ना, बोले बीवी बोल देती ये सब बातें मेरे को शादी से पहले बताते ना, तो किसी आंख मार के डॉक्टर को बताती मैं तुम्हारे साथ शादी ना करती। अच्छा छोटे शहरों में शादी के कार्ड अभी बुजुर्गों के नाम पे आते हैं। अगर तो बुजुर्गों के नाम का कार्ड आया तो पूरी फैमिली जाती है, नो प्रॉब्लम। अगर कभी कभी लिखा होता ओनली टू पर्सन, तो फिर जिसके नाम का कार्ड आना वो डिसाइड करता किसको लेके जाना है। वो पूरी फैमिली में ढूंढता है, जबरू तू चल, ये पेलता है 250 रुपए की मिठाई एक टाइम पे, फिर वो ज्यादा खाना जो खाता है उसको लेके जाते हैं। अच्छा कई लोग हिंदी में कार्ड छपवाते हैं ना, तो शॉर्ट में लिखना पड़ता है बिकॉज जगह की कमी होती है। जैसे किसी ने लिख दिया पू दिल्ली, तो मतलब पुरानी दिल्ली। जैसे दिनेश के कार्ड आया पू सतीश, कहते पुराने सतीश जी कौन है। अबे मैंने कहा पूजनीय सतीश जी है तेरे दादाजी। अच्छा अर्चना जी आपने कभी नोटिस किया है, अंग्रेजों में जो दादा बाप बेटे तीनों का नाम एक हो सकता है, डेविड, डेविड बाप भी हो सकता है बेटा भी दादा भी। हमारे यहाँ अलग है, हमारे दादा के अलग नाम होते हैं, दूनी चंद, नेक राम, सीताराम। फिर बाप आते हैं रमेश, सुरेश कुमार की कैटेगरी में, बच्चे आते हैं राहुल, ये सब की कैटेगरी में। नहीं तो आप सोचो अभी चल के जब राहुल दादा बन जाएगा यकीन ही नहीं होगा राहुल दादा। जैसे जैसे जैकलिन फर्नांडिस है, कल को शादी हो जाएगी बच्चे होंगे उनके बच्चे होंगे तो जैकलिन फर्नांडिस दादी अच्छी लगेगी। दादी कमला बिमला अर्चना ये सब अच्छी लगती हैं। अच्छा रियल नाम को लेके कभी कभी गाने बन जाते हैं, बड़ी प्रॉब्लम होती है। शादी में कोई शीला हो तो वो बेचारी शर्मिंदा शर्मिंदा घूमती रहती है। तो जितनी बुआ ताइयां चाचियां शीला नाम की ना, सब छुपी रहती हैं। फिर गुस्सा किसको आता है जिसकी बीवी का नाम शीला होता है। वो फिर दो पैक एक्स्ट्रा मार के ना टेंट के पीछे से जाके डीजे वाले की गर्दन पे सिगरेट बुझा के आता है। आपने देखा होगा ना कई लोगों के नाम उनकी पर्सनालिटी के साथ मैच ही नहीं करते। 6 फुट का लंबा चौड़ा आदमी, इतनी सेहत और इतनी इतनी मूछें, दरबान लगे होते हैं, नाम बल्लाल देव, और बात करो तो ये गाड़ी पीछे डालो मैं आवाज निकाल दूंगा। अच्छा कई लोगों को आदत होती है ना मौके पे नाम भूल जाते, अरे वो क्या था वो लंबा सा क्या था वो लंबा सा डंडा, नहीं 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 अरे वो लंबा सा क्या होता है वो ऊंचा सा खानदान पंखा। सामने वाले भी ना इतना कंफ्यूज करते ना, असली नाम नहीं लेंगे और सारी चीजों के नाम ले लेंगे। अरे नहीं नहीं वो लंबा सा होता है जिसमें वो जैबरा की तरह धारी होती है, गिरधारी। हाँ गिरधारी, गिरधारी कैसा है। कई लोगों की बड़ी आदत होती है। अच्छा नाम की बात चली है अर्चना जी, तो मैं सोच रहा हूँ चश्मे का नाम चश्मा किसने रखा होगा, क्या सोच के रखा होगा। कुछ भी हो ही सकता था, आलू रख देते। चश्मे का नाम कच्चा होता तो कैसा होता। कैसी बातें करते हैं लोग, पहले मैं कच्चा नहीं पहनता था लेकिन डॉक्टर के कहने पे मैंने दूर का कच्चा पहनना शुरू कर दिया। लेडीज की बातें कैसी होती, आपस में चुगलियां कैसी होती।
अब क्या बताऊं बहन, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है मेरे पति के कच्चे का नंबर बढ़ता जा रहा है, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। तीसरी और सलाह देती, मैंने तो लेजर करवा के पति का कच्चा उतरवा दिया, तुम भी उतरवा दो। चश्मे वाले गाने कैसे आते ना, तेन काला चश्मा जचता है, तेन काला कच्चा जचता है, जचता है गोरे मुख देते। देखो आपने एक चीज नोटिस की होगी, आजकल जो बच्चे हैं या कोई भी इंसान अपने मोबाइल की बड़ी चिंता करता है, अपने माँ बाप का उतना ध्यान नहीं रखते जितना मोबाइल का रखते हैं। तो मैं ऐसे सोच रहा था अगर मोबाइल का नाम पिताजी होता तो लोगों की बातें बदल जाती। अरे चार्जर कहाँ है, पिताजी का एक ही डंडा रह गया। ज्यादा चार्ज हो रहे, इतना कौन चार्ज करता है, पिताजी दोनों तरफ से गर्म हो गए, ठंडा करो इनको। और लोग मोबाइल कैसे ढूंढते ना, अरे मेरे पिताजी नहीं मिल रहे, थोड़ा रिंग देना उनको, देखना तकिए के नीचे तो नहीं दबे हुए पिताजी। लोग मिस कॉल हो जाती ना कभी कभी, सॉरी यार तेरा कॉल मिस हो गया, कल एक्चुअली पिताजी वाइब्रेशन पे थे तो पता नहीं चला, आई एम सो सॉरी। पहले की फिल्मों में, अपनी बॉलीवुड की फिल्मों में नाम से पता चल जाता था कि आदमी का किरदार क्या होगा। अगर नाम है मंगल सिंह तो क्लियर कट है कि आदमी डाकू होगा, घोड़े पे आएगा और बंदूक दिखा के लूट के लेके जाएगा। अगर बंदे का नाम रॉबर्ट है तो फिर वो डाकू नहीं होगा, वो गाड़ी से उतरेगा, हाथ में ब्रीफकेस लेकर स्मगलिंग करता होगा। और अगर नाम राय साहब है तो पक्का पता है करोड़पति आदमी, जिसकी इकलौती बेटी है किसी गरीब के साथ सेट हो गई है। ये टिपिकल चीजें थी। वही अगर हीरो का नाम गोपाल है तो पता है ये नौकरी के लिए धक्के खाएगा। और हरी राम नाम का आदमी कभी अमीर नहीं दिखाते थे, हमेशा नौकर बोलते, पता ना गमछे लेके आता था, मालकिन मालकिन प्रिया बिटिया कमरे में नहीं भागे। अच्छा हमारे बॉलीवुड में स्पेशली फिल्मों में नाम की बड़ी अहमियत है, नाम से पता चल जाता है फिल्म ए ग्रेड की है, बी ग्रेड की है या सी ग्रेड की। जैसे ए ग्रेड की फिल्म है तो उसका नाम होगा लैला मजनू, बी ग्रेड वाले मजनू हटा देते हैं लैला। वो बी ग्रेड वाले ना मजनू हटा देते हैं, वो रहता लैला की जवानी। सी ग्रेड वाले तो और बेड़ा कर करते, लुट गई लैला। भोजपुरी फिल्मों का अलग ही वर्जन होता है, वो लैला मजनू में से कुछ लेना देना नहीं, उनका लैला मजनू अलग ही होता है, लैला मालबा छैला धमालबा, सोचो। अच्छा ए ग्रेड में जैसे फिल्म का नाम है टार्जन, तो जैसे फिल्म बी ग्रेड में आती है उसका नाम जंगल का जवान। जैसे हॉलीवुड मूवीज आती है उनकी डबिंग करके ना उसके नाम भी अपने हिसाब से चेंज कर देते, जैसे एक किस ऑफ द ड्रैगन है उसका नाम रख देंगे आग उगलने वाले दानव का चुंबन, द अवेंजर्स का रख देंगे अंगार बने शोले, अमेरिकन पाई का रख देंगे अमरीकी कचौरी। आपको पता है हमने एक फिल्म डब की थी एंग्री बर्ड्स, हाँ वो भोजपुरी में भी आ गई, खिसियाल चिड़िया। इनसाइड आउट का नाम देखो क्या रखा, खोपड़िया के भीतर गदर मचल। ट्रिपल एक्स रिटर्न का आ गइल तूफानी भैया। हैंगओवर का चढ़ गइल। हैंगओवर 2 का पी के बोराइल। हैंगओवर 3 पी के नाली में गिरिल। अच्छा बड़े लोगों के ऐसे नाम होते हैं जो किसी के सामने बताते नहीं है, जैसे किसी का नाम भोंदू हो तो बताते नहीं, वो हाँ। नाम क्या मेरा भनेंदर सिंह है नाम। तो बड़े सारे लोगों के ऐसे किस्से होंगे नाम को लेकर ही, मतलब तो जो भी शेयर करना चाहता है वो शेयर कर सकते हैं। जी जी मैडम। हेलो सर। हेलो। हेलो मैम। मेरे हस्बैंड ने अपने बचपन का नाम छुपाया था जो मुझे शादी के 5-6 महीने बाद पता चला। क्या नाम था उनका? उनका नाम था पेड़ा। पेड़ा पेड़ा या ठीक ही था, शादी के बाद खा ही रही आप साथ में आए आपके, क्या हाल है पेड़ा साहब। तो फिर मतलब कैसे पता चला आपको पेड़ा नाम? तो उनके दोस्तों से मुझे पता चला, जब उन्होंने बुलाया कि पेड़ा करके, तो मैंने बोला ये किसका नाम है, वो बोले मेरा ही नाम, तो मैंने बोला मुझे तो विशाल बता, तो निकला तो ये पेड़ा। एक्चुअली बड़े लोगों के निकनेम होते हैं, सोचो इतना हैंडसम आदमी बताया का नाम पेड़ा। मैं पेड़ा कुमार। तो पेड़ा अब ठीक है, प्यार से आप तो बुला ही सकती हो। आपका नाम क्या है निकनेम? निशा, निकनेम भी एक ही है, निशा ही है। हाँ छुपा रही होंगी, बता नहीं रही हैं आप। नहीं कहाँ से आए आप? मैं गांधीवली से हूँ कुछ। अच्छा जी। तो मैं उनको वैसे भी छेड़ती रहती थी, फिर मेरी फ्रेंड्स को आती थी ज्यादा ही कुछ फ्रेंडली होने लगते, तो मैं उनको बोलती कि अच्छा पेड़ा आज पिघलने लगा है। पेड़े पे एक दो मक्खियां तो आ ही जाती है, इतना माफ कर दिया करो पेड़े को। अच्छा
लड़कियों के मैंने कभी गलत नाम नहीं सुने, हमेशा लड़कों के ही होते हैं, बंधु गोलू पेड़ा। लड़कियों के देख लो निकनेम भी निशा ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में आने के लिए, शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त नाम को लेके? जी भाई साहब। हेलो सर। हेलो। हेलो मैम। सर मेरा नाम वीर है, बचपन में मुझे बंटी बुलाते थे घर पे। अच्छा। जब मैं स्कूल गया तो हाजिरी लगी। हाँ जी। सर ने मुझे बुलाया ठाकुर सिंह गुर्जर, मुझे पता ही नहीं था मेरा नाम है। आपका रियल नेम जो है फॉर्म में। लेकिन सर बाद में पता चला कि इसमें कोई नाम ही नहीं है, तीनों सरनेम है, ठाकुर भी सिंह भी गुर्जर भी। तो फिर नाम रखा ही नहीं मतलब। तो सर मैंने खुद को अपना एक नाम दिया वीर। सारे दोस्त मुझे वीर नाम से जानते हैं, किसी को नहीं पता मेरा नाम ठाकुर सिंह है मेरे घर वालों के अलावा। कितने भाई बहन हो आप? सर मैं अकेला भाई हूँ, दो बहन है मेरी। अच्छा अच्छा, फिर तो रखना चाहिए था। कई बार होता ना 7-8 बच्चे तो कभी भूल जाते नाम रखना। पर आप तीन भाई बहन है तो अब आपका नाम वीर सिंह गुर्जर। वीर गुर्जर सर। ओके, कहाँ से है वीर जी? सर मैं ग्वालियर से हूँ। ग्वालियर से। पंजाबी में वीर को पता क्या कहते हैं? भाई। हाँ, पंजाब तो आना मत आप कभी, सब लड़कियां भाई भाई बोलेंगे आपको। शादी होगी आपकी? नहीं सर। अच्छा, करना मत, इंजॉय करो। हाँ। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। सर मेरा नाम उमेश है। उमेश जी कहाँ से हैं आप? मैं पूना से सर। अच्छा जी। हाँ, तो मेरा नाम उमेश है, लेकिन प्यार से मुझे सब उमा बोलते थे। उमा? हाँ। उमा तो लड़कियों का नाम, लड़की का नाम है, लेकिन बहुत मेरे तो बचपन में लड़की थे हम चार भाई है ना। अच्छा। प्रॉब्लम है ना, उसी का तो प्रॉब्लम है। हाँ। हम चार भाई है, बहन नहीं थी तो। अच्छा। माँ बोलती थी उमा उमा करती थी, और बाजू वाला जो घर है उन्होंने एक डॉगी लाग दिया, उसका नाम उमा। ओ। अभी वो बाजू में आवाज देते थे उमा उमा, मैं बोलता मुझे तो नहीं बुला रहे, मतलब एक कुत्ते का नाम। इट्स ओके। तो जाते आप भी चार बिस्कुट खाते। नहीं पर अच्छा, ये बड़ी मजेदार बात है कि हमारे बहन नहीं हुई तो मम्मी ने घर का नाम उमा रख दिया। हाँ। तो कल को आपके लिए लड़का ढूंढ ले तो बोले कि आपके हाथ भी पीले करने, मम्मी को बोला ऐसे थोड़ी ना मेरा नाम उमा रख दिया। उमा। अभी तो नहीं बुलाता कोई उमा? बुलाते ना सर, वही तो निकनेम वही है ना। अच्छा, अभी भी बुलाते हैं। ठीक है उमेश का। उमा क्या करते हैं उमा आप? सर बिजनेस। किस चीज का? प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी? हाँ, वो लगी रहा प्रॉपर्टी काफी आपके पास। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर शो में आने के लिए। और कोई हमारे दोस्त? हाय कपिल सर। हेलो। मेरा नाम विक्की है, और सर मेरे नाम में ही प्रॉब्लम है कि सबके सरनेम होते हैं। हाँ। मेरा कोई सरनेम ही नहीं है। क्यों? पिताजी क्या नाम, क्या आगे लगाते हैं? पिताजी का नाम सर राम रतन है। तुम रतन लगा लो, सिंह कुमार कुछ नहीं लिखते? नहीं सर, कोई सरनेम नहीं है। अच्छा जी, क्या करें फिर? करते क्या हो विक्की आप? सर मैं कुछ नहीं करता। सांस लेने के अलावा कुछ तो करते होंगे। कहाँ से आए हो आप? हरियाणा से सर। क्या उम्र है आपकी? मेरी 18.5 साल है सर। अभी बहुत छोटे हो आप। पढ़ाई कर ली? पढ़ाई किया। सारी कर ली? 9 क्लास तक। 9। 10वीं में तो पता चलता है बंदा कितना काबिल है। हाँ। वो तुमने की नहीं। तो आगे क्यों नहीं पढ़ाई की फिर? इंटरेस्ट नहीं था सर। तो फिर किस चीज में इंटरेस्ट है विक्की आपका? रैप वगैरह, सॉन्ग वगैरह लिखता हूँ सर। अच्छा। वैसे सर मैंने अपने नाम पे एक रैप भी लिखा हुआ है। सुनाओ जरा। सुनाओ। चिक चिक टक, चलो करो। नाम से मेरा विक्की भाई, जिस चाहता था वो पास नाई, पावर फुट देख लियो अड़के, कर दू खत्म ना जब कोई बच के, हर चीज मिली मैंने पहले ही एडवांस, जिला है पलवल गहला होगा तो हो गया। शुक्रिया, थैंक यू विक्की। अब जब तुम पॉपुलर हो जाओगे कुछ ऐसे ना नाम रख लेना, विक्की रैप वाला, विक्की वेला, विक्की खाली। धन्यवाद विक्की जी, शुक्रिया। ओके ओके। अच्छा जी, आपको अंदाजा है आज यहाँ पे कौन आने वाला है? तेरे को है? मुझे भी नहीं, मैं फिर देख के आता हूँ। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। अर्चना जी, आज हमारे बीच बड़ी स्वीट फिल्म की स्टार कास्ट आ रही है। स्वीट मतलब मैंने ऐसे टेस्ट नहीं की फिल्म, आई मीन मैंने फिल्म नहीं देखी, लेकिन इसका नाम बड़ा स्वीट है। हाँ। मोती चूर चकना चूर। वाह, आपको अपनी मिठाई की दुकान याद आ गई होगी। हाँ। क्या वैसे वो भी काम बुरा नहीं था अर्चना जी। हाँ। क्या दूध फेंटती थी आप ये छे। तो मैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच इन्वाइट करना चाहूंगा हम सबके फेवरेट मल्टी टैलेंटेड एक्टर मिस्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी एंड वेरी ब्यूटीफुल अथिया शेट्टी। नवाज भाई, अथिया आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक
थैंक यू। आज भाई टाई क्यों लगाई आपने आज? दिस शो में आना था ना। आप बहुत बहुत प्यारे लग रहे हैं नवाज भाई। नवाज भाई पहले भी हमारे शो पे बहुत बार आ चुके थे, आप पहली बार आई हैं। जी। कैसा लग रहा है मुझे इतना नजदीक से देख के आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। ऐसे थे आप, बड़ी खूबसूरत दिख रही हैं। थैंक यू। फिल्म का टाइटल जो है बड़ा बिल्कुल सूट, मोतीचूर चकनाचूर, प्यारी सी लग रही हैं आप। ये होती मोतीचूर, ये होती बिल्कुल फैट फ्री, और ये होता चकनाचूर। हमारे इधर मोतीचूर सारी मोतीचूर है, मतलब मैं इतनी जगह पूरी कुर्सी में घेर लेती ना अर्चना जी। मतलब अपनी तोंद का ख्याल रख तू पहले। हाँ, अंदर करके रखता है। मेरी तोंद क्या, मतलब मैं पापा बनने वाला हूँ इसलिए होता है कभी कभी। हाय हाय, गिन्नी नहीं ये पेट से है। भाई ऐसे कुर्सी पे चिपक के बैठ जाते हैं, मतलब सिद्धू जी की पासपोर्ट साइज फोटो की भी जगह नहीं। आदमी कभी कभी उठता ना अपनी कुर्सी से ऐसे करके, ऐसे इतनी भी जगह नहीं रखी भी, हाथ सामने टेबल पे हाथ रख के उठती है। आपको पता है थिया, आपके पापा से सिर्फ 2 इंच बड़े इनके बाइसेप्स हैं बस। नारियल हाथ में पकड़ के ना उसका तेल निकाल देती। आप दोनों की फिल्म का ट्रेलर देखा नवाज भाई, बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा प्यारा है और बड़ा फनी भी है। अच्छा नवाज भाई की फिल्मों के नाम आपको सब पता ही, बड़े खतरनाक होते हैं, गैंग्स ऑफ वासेपुर, बदलापुर, हरामखोर। भाई पहली बार आपको इतना खूबसूरत ट्रेलर मिला मोतीचूर चकनाचूर, आपने क्यों चकनाचूर कर दिया फिर, आपका क्या? मैं तो बोला था इनको कि चकनाचूर हटा दो, क्योंकि फिर वो ऐसा लगेगा कि फिर वही कहीं कुछ कुचल रहा है किसी को, चूर चूर कर रहा है किसी को, बट पूरा नाम इनको रखना जरूरी था, इसलिए बिल्कुल मैं चाह रहा था मोतीचूर ही होना चाहिए जी नाम। अच्छा नवाज भाई हमारी इंडस्ट्री के वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर हैं। बिल्कुल, मतलब इनके साथ अगर फ्रेम शेयर करना हो तो एक बार में तो मन में आता ही है कि यार इतने कमाल के एक्टर हैं। कैसा लगा आपको इनके साथ काम करके? ऑनेस्टली जब मुझे पता चला तो मैं बहुत डर गई थी, लेकिन आई गेस जब शुरू हुआ और लाइंस कर रहे थे और यू नो सीन्स, तब कॉन्फिडेंस आ गई, मुझे करना तो था। तो हाँ हो गया। तो नवाज भाई आपका रोमांस भी थोड़ा डिफरेंट है, जो आप रिक्शा पे बैठ के जा रहे हैं, बोलते हैं कि पहली बार तमीज से प्यार हुआ है। क्या आपका मतलब था ये कहने के तमीज से प्यार हुआ है? तमीज से प्यार मतलब इसमें यही है कि वो चाहता है कि शादी हो जाए, तो इन लोगों का प्यार तो ऐसे होता है ना, पहली बार में ही हो जाता है सब कुछ। हाँ। ये वेट नहीं करना चाहते, और इतनी एज हो गई ना, जिन लोगों की एज हो जाती है आप समझ सकते हैं ना। तो आप दिल से खुश लग रहे हैं इस फिल्म के लिए, टाई लगा के आप कभी पहले नहीं आए? कभी आया मैं, हाँ साथ में घोड़ा लेके आता था। आइए भाई, बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज आते आइए। अच्छा आते की जो पहली फिल्म थी हीरो, उसमें इनको अपने किडनैपर से प्यार हो जाता है, उसके बाद उन्होंने मुबारका की, उसमें इनकी शादी जिससे होती है उसके भाई से प्यार हो जाता है। इस बार फिर आप गलत आदमी से शादी कर बैठती हैं, जिन्होंने झूठ बोला है कि मेरी दुबई में नौकरी है। अच्छा वैसे तो आप काफी समझदार हैं, लड़के सिलेक्ट करने में ये सब गड़बड़ क्यों होती है आपको? पता नहीं यार, रियल लाइफ में स्क्रिप्ट ठीक है आपकी? आई मीन आई होप सो। चलो देखते हैं आगे। चलिए बहुत बहुत बेस्ट विशेज है हमारी। अच्छा एक तो अन्ना के साथ हमारा इतना प्यार है, ऊपर से हमें डर भी इतना लगता है, आपको ऐसी बात बोल भी नहीं सकता, ऑल द बेस्ट फॉर योर बॉयफ्रेंड, बाद में हमें पकड़ेंगे आके। नवाज भाई ये जो फिल्म है इसमें आप शादी कर रहे हैं ये बोल के कि मैं तो NRI हूं, और झूठ बोल के शादी हो रही, बाद में प्रॉब्लम्स भी आएंगी, फिल्म जब देखेंगे तो सब पता चलेगा। आप दोनों ने कभी ऐसा रियल लाइफ में झूठ बोल के किसी के साथ डेट किए? मैंने तो जब भी बोला झूठ ही बोला। फॉर एग्जाम्पल क्या नवाज भाई, कोई ऐसा किस्सा कोई बताइए हमें। बहुत सारे किस्से हैं, मतलब बहुत सारी झूठ है, बहुत सारे झूठ हैं। कौन सा वाला बताऊं? हाँ वो कौन सा वाला बताऊं, हाँ ये है ना, कौन सा वाला बताऊं? बचपन में होता है कभी कभी, आप स्कूल कॉलेज टाइम में, यू नो एक बार ना एक मेरी गर्लफ्रेंड आई स्कूटर पे, लड़कों वाला स्कूटर चलाती थी, गांव से आती थी, और गिफ्ट भी कैसे लाती थी, आप तो फूल वूल लेके जाते ना, वो दूध लेके आती डोने में ये सब, पता नहीं उसको मैं कमजोर लगा शायद, पता नहीं क्यों लेके आती थोड़ा, मतलब अच्छा मेरे स्कूटर में से आवाज आ रही फट 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 फट,
प्लग होता ना, आपको तो पता होगा वो वैसे मैं भी चलाती थी तो मुझे पता है। हाँ। स्कूटर जो होता है उसमें प्लग होता है, उसको साफ करते हैं तो करंट लगाते हैं। अच्छा, वो स्पार्क हो रहा था, कुछ तो हो रहा था, कहती है आवाज बड़ी आती है। तो हम लोग दोनों बैठे, मैं कहा तू 15 मिनट अपने स्कूटर की चाबी दे, मुझे बगल में जाना है। मैं गया, उसका प्लग निकाला, अपने स्कूटर में डाला, अपना निकाल के उसमें डाल दिया। फिर जब उसने किक मारी, उसका करे फट 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 फट। मैं कहा देखो ये तो मशीनरी होती, पता थोड़ी ना आज मेरा कल आपका। तो ये छोटे छोटे नॉट हार्मफुल पर ऐसे झूठ चलते हैं। अच्छा, हम तो इसलिए झूठ बोलते थे अत्या कि चलो बजट नहीं था हमारा। आप तो शुरू से ही अमीर हैं, आपने कभी झूठ बोला किसी से? नहीं, मैं झूठ नहीं बोलती, बिल्कुल नहीं। सच बोल के कभी ऐसे डेट किए? अभी किसी को डेट करने के लिए और उसको बताया कि मैं सुनील शेट्टी साहब की बेटी हूँ और आदमी डर के भाग गया हो? वही, इसीलिए मैं नहीं बताती हूँ, यही झूठ है मेरी। ये बड़ा पंगा एक तो है ना, और अब तो आप खुद फिल्मों में आ गई, लोग पहचानते हैं, तो अब तो ये झूठ भी नहीं चलेगा। मतलब आप बताओ, अब तो छुपा ही नहीं सकते आप कुछ। तो वो मौका गया, आपको कैश कर लेना चाहिए था बचपन में। नवाज भाई, वैसे आपके बारे में सुना कि आप बड़े शाही नेचर के हैं, लेकिन अभी मैंने पिछले दिनों देखा कहीं सोशल मीडिया पे आप रैंप वॉक भी कर रहे थे फैशन शोज में। बहुत पहले क्या होगा, मेरे ख्याल से बहुत पहले का। तो अभी फिर वो पॉपुलर हो रहा है, वो इंस्टा पे बड़ा चल रहा है, वो क्लिप आपका दिखाते हैं। तो भाई जैसे क्या होता है, कभी कभी आप जो बाहर काम नहीं करते वो हम लोग यहाँ पे करने के लिए बोलते हैं, और जो बाहर कर आते हो वो तो फिर हम करवाते ही करवाते हैं। तो हमारे दर्शक देखना चाहते हैं आपको रैंप वॉक। अच्छा, और साथ में आपको कंपनी देंगे हथियार। रैंप वॉक करना है, लेके आइए सामान जरा पूरा भाई फीलिंग वाला। चलो, ये क्या है? शो स्टॉपर है आप। ये तो कान फिल्म फेस्टिवल वाला है पूरा। मैं ही पकड़ के चलती हूँ। ओह, लेडीज एंड जेंटलमैन, आपकी जोरदार फरमाइश पे हमारे पास सुपर मॉडल मिस्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी एंड अथिया शेट्टी, प्लीज जोरदार तालियां। थैंक यू नवाज भाई। क्या क्या करवाते हैं यार। ये सच्ची में हैट है कि वाटर कूलर है? थैंक यू नवाज भाई। अरे वाह, मोती चूर चकना चूर के लिए जोरदार ताली हो जाए। सर मेरे को 3 किलो मोती चूर के लड्डू पैक कर दो ना। और मटरी भी रखते क्या आप लोग? कैसी बात कर रही, उनकी फिल्म आ रही है। ओ, मेरे को लगा कोई ट्रक लेके आए ले। इतनी भी येड़ी नहीं है मैं, मेरे को मालूम है उनकी पिक्चर आ रही लिए। बात करने दे भी मेरे को। हाय 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 यू हाय यू हाय गुड। क्या हो जाता तेरे को है लड़कियां देख के? तू भी तो लड़की है। वो बीच बीच में भूल जाती है ना, जोर से जो मारे ले ना पीठ पे तूने मेरे को। लड़की की तरह मारा है, तेरे को कौन सा फर्क पड़ेगा। हाय 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 हाय, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन है। थैंक यू। मेरे को ना लाइफ में 3 चीजें ही पसंद है अर्चना जी। क्या? फिल्मों में साथिया, विलन में कातिया, और हीरोइनी में आतिया। सच्ची में। अरे माई गॉड, अरे मैं आपको एक चुगली लगाऊं क्या? हाँ लगाओ। अरे आप वो पिक्चर में ना Housefull 4 में, हाँ वो लोग सब आए थे इधर प्रमोशन पे, आपको लेकर नहीं आए वो लोग? माई गॉड, मेरे को तो लगता है वही लोग भगवान है, मैं सच्ची बोलती है। सपना, ये चुगलियां क्यों कर रही है, क्या कर रही है? मैं उनकी दोस्ती तोड़वाना चाहती है, सच्ची बता रही मैं सर। मेरे को ना एक्चुअली जलन बहुत होती है। किससे? किससे? एक है ना, दोस्ती खाती में आप लोग इतना काम कर रहे हैं मार्केट में, इधर खुद का मामा काम करने के लिए मना कर देते हैं। एक बात बताओ, जिधर प्यार रहते हैं ना उधर ही गुस्सा रहता है। आई लव हिम रे। गोविंदा जी के लिए जोरदार ताली हो जाए। आई लव हिम। आज इतना तैयार किसके लिए हो गया ये तू? अपने नवाजों के लिए और किसके लिए? मैं सच्ची बोलती हूँ, मैं सुबह से ना दमदार जानदार झन्नाटेदार भूखी रही है आपके लिए। पर इनके लिए क्यों भूखी रहती है? तू तो मुकेश से प्यार करती है। हाँ, मुकेश से मैं प्यार करती है, लेकिन मैं ना उसकी लंबी उम्र नहीं चाहती। क्यों? हाँ, वो मेरे को सिर्फ 10-15 साल के लिए लगेगा। मैं चाहती है इनकी लंबी उम्र हो, बॉलीवुड में लंबा काम करे। मैं मैं झूठ नहीं बोलती है। हाँ। मैं सच्ची में जब भी आपको टीवी पे देखती है ना, मेरे को लगता है आप पीछे मेरे अच्छा किया ना मैंने, बहुत अच्छा किया। नींबू के साथ ज्यादा अच्छा होता है टिराई मारने का।
नींबू तूने काट दिए? आधा कटेला था, खाया नहीं मैंने। तो सर आपके लिए व्रत रखी ली थी मैंने, तो क्रियाकर्म कर उस क्रियाकर्म मैं रसम करना चाहती है। करो जो भी करना है। हाँ आई एम रेडी। नहीं जो भी नहीं करना है रसम करना। आइए सर शुरू करते हैं। शुरू करते हैं सर, आइए आइए ना सर। सबसे पहले अपन ये फोड़ेंगे। वे ये क्या ग्रेनेड क्यों दे रही है? नारियल फोड़ते ना। तूने कौन सी पिक्चर में इनको नारियल फोड़ते देखा है रे? जो ये फोड़ते वही दिए लाए। मैं पूरा रिसर्च करके आई, अलीबाग से नहीं आई है मैं। एक मिनट एक मिनट, फूट गया। अब इसको रख दो, कभी भी फूटेगा वो। इधर रख दो। हाँ इधर रख दीजिए। हाँ तो ये प्रसाद के नाम पे आपको बेल। ये बेल कौन देता है? इसका क्या करूं? जितना पिक्चर में इन्होंने कांड किया ना, जितनी बार जेल गए इनको बेल ही मांगता है। अभी ना आप एक टॉर्च जलाइए। तो मैं आरती करेगी आप। सपना टॉर्च नहीं जलाते, दीपक जलाते हैं। अरे एक बार पूजा करने तो दे दीपक। क्या रमेश मुकेश सुरेश सब जलेंगे। सब मेरे छावे लोग हैं उधर नाला सुपर में। और ये शाहिद रणबीर कपूर का फोटो क्यों रखा है? तेरे को इतना भी नहीं मालूम है पूजा की थाली में कपूर लगता है? अभी सर इसको आप ऐसे लेके खड़े रहना, चांद का वेट कर रहे। चांद किधर है? चांद आया नहीं। मेरे को बहुत भूख लग रही है सर। एक काम करे क्या, खुद का चांद मंगवाऊं क्या? खुद का मंगवा लो। है ना सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी क्या शो अच्छा चलता है ना, तो हम मौसम भी बदल देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए चांद लेकर आओ रे। ये साथ में लेके चलूं? हाँ अभी एक मिनट ना, चांद से मैं देखेगी। सपना ये रैकेट में से कौन चेहरा देखता है? अरे इससे दोनों काम हो जाते, चेहरा भी दिखता है और मच्छर भी मर जाती है। अरे एक टाइम पे भूखे रहने से आदमी की उम्र जो है वो लंबी होना हो, लेकिन अगर मच्छर काट लेना तो आदमी पूरा लंबा हो जाता है, तो इसका दोनों फायदा रहता है। देखो अभी क्या नजर आया? मुझे लग रहा है इनके कुछ गलत इरादे हैं। इरादे सही नहीं। जल्दी जल्दी मेरे को पानी पिलाओ ना। अच्छा मुझे लगा मेरे मुझे पीने के लिए ला रही। नहीं सर मैं प्या अपने हाथ से पिलाओ ना। नहीं आप पिलाओ ना। अपने हाथ से नहीं, आप पिलाओ मेरे को। ओह गॉड, नवाज कितना डर रहा है। क्या हुआ? ऐसी थोड़ा इमोशनल हो गई कपू में, सॉरी। क्यों? क्यों? आज पहली बार नेशनल टीवी पे नवाज जी ने एक लड़की की प्यास बुझाई। नवाज भाई आओ, आइए तंग कर लिया, आ जाओ वापिस रहो। गले भी नहीं लगोगे एक बार? अभी तो ना सारा सामान दे दिया हाथ में, गले में कैसे मिलूं? इतनी लंबी चौड़ी तू, तेरे गले भी लगे ना तो कहीं और लगेंगे ये। नहीं सर ऐसे। ये क्या कर रहे? मैं पैंट नहीं रहते हैं। हैं? जो मुझे इज्जत दे रही हैं आप, मैं भी तो दूंगा ना आपको। मैं इसे करवा चौथ रखा है, शादी थोड़ी मनाया अभी हम लोग। सपना हाँ, ये ग्रेनेड तेरा निकला है? अच्छा आइए सर, सबसे पहले इनकी फिल्म के लिए जोरदार ताली, मस्त प्रोमो लगे ले। बैठिए बैठिए, मेरे को बहुत अच्छा लगा सर आपका प्रोमो, लेकिन मेरे को सर एक चीज समझ नहीं आया पिक्चर में।
मतलब आप ना इस पिक्चर में गोली चलाए ना इस पिक्चर में चक्कू चलाए, तो गोली नहीं मिली क्या? अनुराग कश्यप नहीं मिला? नहीं, मेरे तो दिल भर गया था गोली और उनसे सब गनमन से, और मेरे को एक फैमिली फिल्म बनानी थी जो बच्चे देखें आगे, क्योंकि हम फैमिली और बच्चे ना बहुत दूर जा चुके थे हमारी लाइफ से। जी जी, तो हम चाहते नहीं हैं सही बात है, डिफरेंट अलग पिक्चर कुछ बनाए ले। हाँ। नहीं तो क्या सर हमेशा 3G पिक्चर करते थे, मतलब 3G गन गोली गाली यही सब रहता था ना पिक्चर में। सर फिल्म इंडस्ट्री में इतना काम के लिए आप मस्त बाहर से आए, इतना नाम कमाए, विलन बन गए, हीरो बन गए, इतना सब 3 करोड़ रुपए दो ना मेरे को। बाकियों से तो 1 करोड़ मांगती है। हाँ तो बाप का, भाई का, दादा का, सबका पैसा मांग रही है ना। 3 करोड़ मांगता है, लेकिन मैं सच्ची बोलती फिल्म इंडस्ट्री के ना असली भगवान आप ही चाहिए मेरे को लगता है। कैसे? अभी देखो इतनी खूबसूरत आती है, इनके साथ काम कर रहे, पहले जैकलिन के साथ पिक्चर किए, फिर हुमा कुरेशी के साथ पिक्चर किए, तू देख इतना पैसा कमाता है सारा दिन अर्चना जी बैंड वाले ये दास दादा ये भी अपने आप में केकड़ा है मालूम है ये मैं कृष्णा हम लोग के साथ ही लगे रहते 24 घंटे। अच्छा नवाज सर आपको एक दिल से एक बात बोलूं? हाँ। कौन सी जगह से आप? मैं दिल्ली। दिल्ली से है ना? हाँ। हाँ, तो अगर आपको मुंबई में टिके रहना है ना तो शेट्टी लोग से बना के रखने का। अभी इनको देखो, इनके साथ हाँ, ये खुद सुनील शेट्टी से बहुत बना के रखती है। बनाना क्या, वो तो उनके पापा तो पापा ही तो क्या, बना के रखना बहुत जरूरी है, कभी भी काम आ सकते है। अरे एक ही फैमिली है ना। अरे तो फैमिली से भी बना के रखना पड़ता है ना। हे गोविंदा हे गोपाला क्या समझाए तेरे, क्या समझाए रे। अच्छा आपसे पूछने का था मेरे को, सुनील शेट्टी जी नहीं आए क्या? वो नहीं है, फिल्म में नहीं है वो। नहीं मेरे को मालूम है, फिल्म में नहीं, घर में तो रहते ना साथ में लोग। हाँ तो वो आए नहीं क्या साथ में? अभी तो आए ना। नहीं आपके साथ में आना मांगता था उनको। अच्छा नेक्स्ट टाइम लेंगे तो उनको। नहीं तो उनको ले आती है आप, शिल्पा शेट्टी को ले आती है साथ में। वो थोड़ी इनके घर में रहती है। नहीं रहती है तो वो शेट्टी कैसे है फिर? अरे जरूरी थोड़ी ना कि सारे शेट्टी एक साथ रहे। अरे क्या बात कर रहा है, मेरा दोस्त है उधर नाला सुपर में बलविंदर शेट्टी। हाँ हाँ, वो उसका डैडी है परमिंदर शेट्टी, उसके बच्चे शेट्टी, बाप शेट्टी, दादा शेट्टी, सब लोग शेट्टी लोग साथ में रहते उधर। वो अलग है, ये अलग है। तो मैंने कब बोला कि ये दोनों एक है? क्या हो गया रे तेरे को? कपूर ठीक है ना तू? मेरे को तेरे लिए बहुत दुख होता है। खैर अभी मैं अपना मसाज सुना के जा रही है इधर से, समझा? हाँ मेरे पास अलग अलग टाइप का मसाज है, आपके लिए स्पेशल मसाज है। आपका एक पिक्चर है था फोटोग्राफ, उसका मसाज है हम लोग के पास में। उसमें क्या होता है? उसमें कस्टमर कपड़ा उतार के तेल भी लगाते हैं और मसाज करते करते हम उसका फोटो ले लेते हैं। वही फोटो दिखा दिखा के उससे पैसा लेते हैं हम। ब्लैकमेल करते हो? ब्लैकमेलिंग होगी ना ये तो। क्या बात, मेरे को मालूम नहीं है, शर्म नहीं आती? मैं तभी सोचू फोटो दिखा के इतना पैसा क्यों देते हैं लोग मेरे। माय गॉड। हाँ फिर आपके लिए स्पेशल मसाज है हाय हुक्कू हाय हाय मसाज है। इसमें क्या है? इसमें क्या रहता है, एक लड़की मेरे सामने हाँ। मेरा दिल लिए जाए 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 हाय हुकू हाय हुकू हाय। ये तो गाना सुना रही है। मसाज बता क्या है इसमें? अच्छा मसाज इसमें क्या रहता है, हम कस्टमर कपड़ा उतारते फिर मेरा लंदन का दोस्त है हुक। मुझे नहीं जानता। तो मसाज करते समय वो आ जाता है तो हुक आता है। तो जैसे हुक आता है मैं बोलती हाय। तो हुक मेरे को बोलता हाय, बोलता हाय हुक, तो बोलता हाय, ऐसा हाय हुक हाय हुक हाय ऐसे चलता रहता, मसाज चलती रहती है, ऐसा रहता है हम लोग। अभी सर मेरा ना जाने का टाइम आ गया है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। मसाज करने जाना है? हाँ वो नहीं आज मसाज नहीं, वो आपके डायरेक्टर है अनुराग कश्यप तो वो अपने अन्नू का ना राग भरने के लिए आते हैं हमेशा ही। तो पिछली बार वो राग भरने आए थे ना तो अपना कश्यप भी पहनना भूल गए। तो मेरे को वो कश्यप ना धो के उनके घर भी भिजवाना। मैं चलती सुपर भाई।
अच्छा जैसे कि आप सब जानते हैं अथया जो है इस फिल्म में एक एनआरआई से शादी करना चाहती हैं, अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं। मैं यहाँ पे बैठे दर्शकों से पूछना चाहता हूँ कि कितने लोग ऐसा चाहते हैं कि उनकी शादी जो है वो बाहर हो, या किन्होंने चाहा था कि बाहर हो लेकिन यहाँ पे हो गई, या फिर किसी ने चाहा ही नहीं था लेकिन बाहर हो गई उनकी। तो ऐसे आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। कोई है हमारे दोस्त? जी मैडम। हेलो कपिल, नमस्ते जी, कैसे हैं आप? मायसेल्फ कविता, आई एम फ्रॉम रायपुर छत्तीसगढ़। मेरी शादी एक एनआरआई से हुई है। अच्छा जी, वाह। जब मेरी शादी की बात चली तो जितने रिश्ते आए वो सब एनआरआई के आए। पहले दो रिश्ते में तो रिजेक्ट हुए रिश्ते, मेरे ताया जी ने मना किया। उनके हिसाब से एनआरआई से शादी करना मतलब इतने दूर से लड़की को लाना ले जाना ये सब कौन करेगा, हाथी पालने के जैसा इतना खर्चा करना। अच्छा जी, तो वो रिजेक्ट हुए। आपको सारे एनआरआई आए तो आप कुंडली की जगह पासपोर्ट भेजती थी क्यों मतलब? पर संजोग था तीसरा भी जो रिश्ता आया वो एक एनआरआई का आया। अच्छा जी, और उस रिश्ते में मुझे लड़का बहुत पसंद आ गया। आए साथ में जो आपको पसंद आया? जी जी जी। कहाँ है ये? नमस्कार जी सर, कैसे हैं आप? तो अभी फिर आप कहाँ रहते हैं सर, कहाँ रहते हैं? जब हमारी एंगेजमेंट हुई उससे पहले ये सिंगापुर में थे, सिंगापुर से आए थे एंगेजमेंट के लिए। अच्छा, और शादी के टाइम कहाँ पे थे? शादी के बाद बैंकॉक में थे। फिर क्यों शादी की? सॉरी सॉरी, बैंकॉक बड़ी प्यारी जगह है, बड़ी अच्छी जगह है, प्यारे लोग हैं, बैठे रहते हैं, मसाज करो जाके एंजॉय। पर मुझे, मैं एक्चुअली जेन्युइनली मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आप देखो थाईलैंड का इंफ्रास्ट्रक्चर देखो आप, बड़ी छोटी सी कंट्री है और तेल लगा लगा के कितना पैसा कमा लिया है। पर क्या हम लोग कभी बाहर जाते ना तो अपने देश के बारे में कोई बोले सडनली देशभक्ति जाग जाती ना। हाँ। जैसे मैं बैंकॉक में था तो फुट मसाज करा रहा था, कहते वेयर आर यू फ्रॉम, मैं कहा फ्रॉम मुंबई इंडिया, कहते ओ इंडिया, कहते पुअर कंट्री, मैं कहा व्हाट। मैं क्या, मैं टिकट खर्च के बैंकॉक आया, तेल तेरे हाथ में, घुटनों की मसाज तुम करे, हम कहां से पुअर हो। मैं चलिए भाई साहब बड़े प्यारे लग रहे हैं, थोड़े इनोसेंट से भी लग रहे हैं, इनोसेंट आदमी शादी करता है भाई साहब। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में आने के लिए, शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। सर मेरा नाम योगेश है। अच्छा जी, मैं सूरत गुजरात से आया हूँ। अच्छा योगेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप क्या कहना चाहते थे? जब शादी उबाल मार रही थी। शादी उबाल मार रही थी? शादी के आप उबल रहे थे? सर दोनों एक ही चीज है। सर एनआरआई लड़की से शादी करने का फायदे बहुत है। कैसे मतलब, आपकी हुई एनआरआई लड़की के साथ? अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाया, इंटरनेट नहीं था ना सर वो टाइम पे, इंटरनेट पता था कैसे। सारे काम इंटरनेट के थ्रू थोड़ी होते हैं, मतलब यारी दोस्ती में जान पहचान में भी होते हैं। कोई था नहीं लेकिन सर। आपने वेट नहीं किया ना, उबाले मार रही थी ना शादी के बाद, इसीलिए तो करना पड़ा ना फिर। अच्छा जी, तो फिर एनआरआई लड़की से शादी होती है सबसे बड़ा टेंशन जो हम आप लोग हमको होता है शॉपिंग का खर्चा बच जाता है। ज्यादातर एनआरआई लड़की खुद कमाती है, खुद खर्चा करती है। ये तो है, अच्छी बात भी है। हाँ, और दूसरी बात, वो काम करेगी मैं काम करूंगा। हाँ। मिलेंगे सैटरडे संडे। हाँ। तो 5 दिन तो ककला चला जाएगा। हाँ। सैटरडे संडे मिलना है दोनों को मालूम है तो प्यार भी बढ़ेगा। राइट, तो सबसे ये दोनों चीज है जो सबसे अच्छी चीज है, तो इसी वजह से एनआरआई से करनी थी। हाँ। लेकिन हो गई अपने ही शहर में। तो अपने शहर में भी फायदे तो होंगे ही कुछ। अब सर बीवी पास में बैठी है क्या बोलूं? सबको बोल दिया। आपको सर फायदे ही बताने पड़ेंगे ना, जो है नहीं वो आप भी जानते हैं। तो फिर मैडम जॉब करती है घर पे, हाउसवाइफ? नहीं नहीं, वो हाउसवाइफ है। पर अब घर पे बड़े काम होते हैं सर, कभी आप घर संभाल लेते हैं? कभी मैंने तो ये सोचा नहीं था कि ये ऐसे सोच रहे, अगर पहले पता होता तो मैं शादी करती ही नहीं। ये तो शुक्र है भगवान ने ना ऐसी शक्ति नहीं दी कि हम दूसरे का मन पढ़ सके, नहीं तो गर्दने उतर जाती यहाँ। बड़ा काम खराब होता, सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। धन्यवाद सर शो में आने के लिए, बहुत थैंक यू। थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम। मेरा नाम वैष्णवी शर्मा है और मैं ग्वालियर से आई हूँ। बहुत बहुत स्वागत है वैष्णवी आपका। मैं एनआरआई से इसलिए शादी नहीं करना चाहती क्योंकि मैं अपने मम्मा पापा से दूर नहीं जाना चाहती, सबसे बड़ी बात। क्योंकि मैं उनसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ।
और सेकंड कि मेरी जो लाइन है, जो मेरी फील्ड है, वो तो एनआरआई वाला कभी नहीं करवा सकता। कौन सी फील्ड है आपकी? मैं म्यूजिक टीचर हूँ और प्रोफेशनल डिवोशनल सिंगर भी हूँ। अरे वेरी गुड। हाँ जी, पर एनआरआई क्यों नहीं कर सकते सिंगर से शादी? क्यों मतलब? शायद जो मेरी भक्ति श्याम से है, मैं उनके भजन ज्यादा गाती हूँ, वहाँ पॉसिबल ही नहीं है। उस हिसाब से क्या मैं कुछ गा सकती हूँ? हाँ जी। ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। थैंक यू सो मच। आप सच्ची हमारे शो ही आई थी कि इंडियन आइडल आई थी आप? नहीं, आपके शो। अच्छा, आप किस किस फीमेल सिंगर की फैन है? मैं अपने दिल से बोलूं, मैं गुरु माँ को सबसे ज्यादा मानती हूँ, जो कि ऋचा शर्मा जी हैं। मुझे लग रहा था, इसलिए मैंने पूछा। हाँ जी, मैं उनसे मिली नहीं हूँ, लेकिन वो बहुत बड़ा ड्रीम है मेरा। बहुत बहुत प्यारा गाया। थैंक यू सो मच। नवाज भाई, अथिया आपके बारे में कुछ अफवाहें हैं जो हमेशा अक्सर फिल्म स्टार्स के बारे में होती हैं, पर हम हमेशा उनसे कंफर्म करते हैं, हम मानते नहीं सुनी सुनाई बातों पे। हाँ अथिया, आपके पापा का होटल का बिजनेस भी है, तो एक अफवाह ये कि आप किसी भी होटल में जाके खाना खाती तो कोई आपसे पैसे नहीं लेता, स्टाफ बोल के निकल जाती हैं आप। ये सच हो सकता है लेकिन सच नहीं है, मैं टिप भी देती हूँ। अच्छा, वेरी गुड, बड़ी अच्छी बात है। नवाज भाई, एक अफवाह ये है कि एक्टर बनने से पहले जब भी आप किसी दुकान पे खड़े होते थे तो लोग आपको ही सेल्समैन समझ लेते थे। Is it true? एक्टर बनने से पहले? हाँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, मैं कहाँ दुकानों पे खड़ा कहाँ होता था? हमारे यहाँ गांव में दुकानें कहाँ थी? दुकानें नहीं थी। तो नवाज भाई, कैसे कुछ खरीदना? खेत खलियान थे हमारे यहाँ, तो कुछ ऐसे सामान की जरूरत पड़े, कभी कुछ लेना जाओ तो कहाँ जाते थे आप? सामान मतलब किस तरह के सामान की? कोई भी, कोई टूथब्रश लेना हो, पेस्ट लेनी हो, कुछ। ये एक्चुअली कोई अफवाह, ये बेबुनियाद अफवाह है। बेबुनियाद अफवाह, इसमें कोई दम नहीं है। अच्छा, आपके बारे में एक अफवाह है कि आप इतनी सुपरस्टिशियस हैं कि अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो आप पूरे दिन गाड़ी रिवर्स में चलाती रहती हैं। ऐसे क्यों? वैसे बिल्ली रास्ता काट रहे, क्यों है ऐसा? हाँ, सुपरस्टिशियस हूँ मैं। पर भाई, आप मानते हो कभी ऐसी? मतलब मैं नहीं मानता हूँ। मतलब क्या, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, आप नहीं जाओगे? अरे, बिल्ली का भी हक बनता है। हक बनता है। बिल्ली भी तो आपका रास्ता काट सकती है। अरे अरे, देखो साइड में जो इंसान आ रहा है। जैसे आपने नवाज भाई सुना है, कभी बचपन में मैं सुनता था कि सुबह सुबह बोलते बंदर का मुंह देख लो तो काम खराब हो जाते हैं। हाँ, पर आप मानते इस बात को? ये भी मैं मानता नहीं हूँ, हालांकि लोग बोलते हैं कि बंदर का मुंह देख लो। बंदर बेचारा है ना, वो क्यों काम खराब करेगा हमारा? मैं वो दिख जाए और अच्छा होता है बंदर का मुंह देख। क्योंकि बंदर जो है ना, इतनी सारी एक्टिविटीज करता है ना। हाँ, सबसे शरारती होता है। सबसे शरारती होता है। हाँ, तो आधी एक्टिंग तो उसी से सीख लो। ये बात सही है। ये जो अपना दिनेश ने गिटार पे, ये दिनेश किस्सा बताएगा, माइक दो जरा इसको, वो बंदर वाला किस्सा बताओ जरा। एक बंदर था, उसकी टांग खराब थी, क्या हुआ था वो करके बताना, कैसे बंदर धमकी दे गया था सारा बताना है। हाँ, तो क्या हुआ था, कहाँ मिला था बंदर तुम्हें दिनेश? हम मथा टेकने गए थे ना माता के। अच्छा। हमारे दोस्त थे चार पांच, एक बहलवान था उसमें। अच्छा अच्छा, उसके पास प्रसाद था बहलवान के पास। हाँ। तो बंदर छीनने आ रहे हैं। हाँ। उसने एक छोटे से बंदर को ऐसे कर दिया पहलवान ने। अच्छा। वो कहना एक मिनट ठहर जरा, कितना अभी आया हूँ ना, कितने सारे लेके आया, एक एक गुंडा सा बंदर ऐसे करके। अच्छा। वो उसने ऐसे इशारा कर दिया कि ना भी ये है। वो इधर से है, एक पहलवान के इधर से चपेड़े मारे हैं उसके, सारे बंदरों ने अटैक कर दिया सभी पहलवान। सभी वो ऐसे ऐसे हटे ना, फिर वहाँ पे शॉपकीपर जो, उन्होंने बचाया अंदर डाल के, कहते अभी हाँ पहलवान को बचाया बंदर से। अरे वो पहलवान भी बहुत नेशनल लेवल का था। चल, उसका नाम मत लेना, उसका करियर खराब करोगे। नहीं नहीं, अब तो पुलिस में है। थैंक यू सो मच। पर देखो, सबसे मजेदार बंदर धमकी लगा के था इधर रुक तू, कहता फिर लेके आया वो। कैसे बात करते होंगे ना भाई? यही है बंदर एक दूसरे को कैसे बताते होंगे कि मेरा झगड़ा हुआ, तू भी चल। नवाज भाई, एक अफवाह ये आपके बारे में कि मिस लवली फिल्म से पहले आपने कभी रियल लाइफ में किसी नहीं किया था? ओ नहीं, ये पब्लिसिटी के लिए किया था मैंने। ना किया, ऐसी बात नहीं, किस विस किया था पहले, लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो मैंने
प्यार होता है ना अपना टाइम, तो वो बोलते हैं कि ऐसा कर दो कि ये पहली किस है आपकी लाइफ की. मैंने कर लो ठीक है भाई. भाई आई लव यू. थैंक यू भाई. अथिया एक अफवाह ये कि आपके पापा के डर से लड़के आपको प्रपोज करने से डरते हैं. नहीं, पापा बहुत कूल है. वो तो आपको पता है. आपको पता. दोनों बोले. दूसरों को तो सुनील शेट्टी दिखता है बड़े बड़े डॉलर. फिर हाँ, तो फिर हाँ डरते हैं. डरते हैं. तो आपको गुस्सा नहीं आता. नहीं, अब क्या करूं. ओके नवाज भाई, एक अफवाह ये है कि आप एक्टर बनने से पहले अपने दोस्तों के साथ रात को अपने एरिया की बिजली काट देते थे जिससे अंधेरे में लड़कियों से आप मिल सकें और पकड़े ना जाएं. भाई इतने शरारती थे. बिजली वैसे ही आती नहीं थी हमारे. आती थी एक घंटे के लिए आती थी और उसका हम वेट करते थे. जैसे जाती थी तब जाके बात करते थे. अच्छा हाँ. ऐसा लग रहा है बिजली एक लड़की का नाम है. बिजली आती थी जाती थी, आती थी जाती थी. हम उसका वेट करते थे. वो आती थी बिजली की तरह, मतलब करंट देके चली जाती थी. ऐसा होता है ना. काफी शॉर्ट सर्किट हुए लगते हैं. अच्छा एक अफवाह ये है कि एक बार आपने अपनी कार में इतनी जोर से गाना गाया कि ड्राइवर नौकरी छोड़ के भाग गया. बिल्कुल नहीं. आप गा के बताओ थोड़ा. ओह गॉड, नहीं नहीं नहीं, फिर सब भाग जाएंगे. अच्छा तो ये अफवाह है. नवाज भाई एक अफवाह ये है आपके बारे में कि रोमांटिक सीन करते हुए आप जानबूझ के बार बार गलतियां करते हो ताकि आपको रीटेक करने में मजा आए. हाँ क्यों ना लूं मजा. हाँ बिल्कुल. वैसी लाइफ ड्राई है कहीं ना कहीं. सीन्स में हम तो मौका खोजते हैं. आई लव यू ऑनेस्टली भाई. फिल्मों में मैंने देखा है जैसे वो गैंग्स ऑफ वासेपुर में भी कैसे लड़की का डर जाते हैं, तो वो गांव में ऐसा ही रोमांस होता है. रॉ रोमांस जिसको बोलते हैं, ये होता है डर डर के मिल रहे हैं और लड़का लड़की ध्यान लड़का लड़की एक दूसरे पे कम होता है. इधर उधर ज्यादा देखते रहते, पुलिस ना आ जाए कहीं. अच्छा ये बात मेरे को बड़े होके पता चली है कि अगर लड़का लड़की दो बालिंग हैं तो आप मिल सकते हैं आराम से कहीं पे भी. हमें हमें वैसे पीटती रही पुलिस. हाँ अब जैसे मुंबई में रात को डेढ़ डेढ़ दो दो बजे लड़कियां लोकल ट्रेन में सफर करती हैं, कितनी अच्छी जगह है. लेकिन मुंबई में भी अगर आप जाओ और लड़का लड़की बैठे हो तो पुलिस उनको जीने नहीं देती. अच्छा. हाँ या या देख देख की क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो बेचारों को. एक आध बार कभी आपके साथ ऐसा हो गया होगा. पर गाड़ी का शीशा ऊपर होता है ना, वो एसी ऑन होता है तो ठक 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 ठक. तो मैंने बोला ये आवाज मेरे को म्यूजिक से तो नहीं आ रही. सडनली लोग चलो यहाँ से चलो. अब क्या बताए उनको, हम तो शादीशुदा है. और वो बोल रहे चलो चलो यहाँ से चलो, क्या कर रहे हो. शादी के बाद गाड़ी में क्यों बैठे थे, घर पे बैठ जाते. नवाज तुम कभी पकड़े गए ऐसे कभी. हाँ पकड़ा, मैं इस मामले में बहुत तेज था. तो भाई जैसे आप बोलते दुकान वुकान भी कोई नहीं थी, तो आप मिलते कहाँ थे ऐसे. रेस्टोरेंट वगैरह तो होता नहीं होगा गांव में कोई. अब लाइट चली गई, अंधेरा है, किसी को क्या पता कौन कहाँ खड़ा. अच्छा मैंने आपके बारे में अफवाह सुनी है काफी. मेरे बारे में एक आजकल एक ताजा अफवाह सुनी है मैंने. क्या जरा एक फोटो दिखाओ. एक ये हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनके साथ ये खड़े हुए हैं. ये इंस्टाग्राम में भी देखी मैंने. हाँ लेकिन ये सबसे पीछे जो ये कौन है, ये आप ही है ना. हाँ मैं ही खड़ा हूँ एक्चुअली. वो सब कंगना और केकता जैकलीन सब फोटो ले रहे थे. कर क्या रहे हो आप. मैं कुछ नहीं भाई, वो पिक्चर ले रही थी मैंने. फिर वैसे ही मन में आया, मैंने कहा कितना भी मशहूर हो जाओ प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री होता है. अच्छा सुना है आपको जैसे कभी खुशी कभी गम DDLJ उनके सारे डायलॉग्स मुंह जबानी याद रहते हैं. तो नवाज भाई जो है वो भी शाहरुख भाई के फैन है. DDLJ एक मोमेंट क्रिएट करते हैं जहां पे आप सिमरन है, नवाज भाई राज हैं, शाहरुख खान. चलिए आइए नवाज भाई. तो रेलगाड़ी वाला सेटअप लेके आप पूरा फीलिंग भाई आपको देखो. हाँ बजट देखो आज आप. प्रॉप्स देखिए कैसे कैसे आ रहे हैं. ये पहनना है. राज मैं आ गई.
चलो चलो भागते हैं। नहीं सिमरन नहीं। मैं तुम्हें लेके जाऊंगा लेकिन बाबूजी का आशीर्वाद और कुछ पैसे लेके तब जाऊंगा। तुम मुझसे प्यार नहीं करते क्या? प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ सिमरन, प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। बाप का, दादा का, भाई का, सबका प्यार दूंगा। अरे वो लफंगे, बाप का प्यार देने के लिए मैं अभी जिंदा हूँ, तू इसे लेके भाग जा। बाबूजी, आप बाप होके ऐसी बात कर रहे हो? हाँ, ये भागेगी तो 15 लाख खर्चा बचेगा शादी का। चलो राज, भाग चलते। भागने की क्या जरूरत है, मेरे पास टिकट है ट्रेन का। ये तो प्लेटफॉर्म की टिकट है। अपनी तो किस्मत ही खराब है। बाबूजी ट्रेन का टिकट कटवा तो थोड़ा, दो दो। मैं तेरा ससुर हूँ टीसी नहीं, पूरी ट्रेन लेके दे दूँ। कभी कभी लोग तो बाबूजी आप ही भगवान हो। पापा से इतना डरते हो क्या? अरे इस वाले पापा से नहीं डरता, ये तो नकली है, असली वाले से डरता हूँ। थैंक यू नवाज भाई, थैंक यू अत्या, जोरदार तालियां एक बार नवाज भाई के लिए, शुक्रिया। ये ले जाओ, ये लेके जाओ, ट्रेन लेके जाओ भाई साहब। अरे यार, हाय हाय, अरे यार, हेलो 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 हेलो, यार नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी, यार आपको देखकर जो किक लगता है ना यार, मजा आ गया। आतिया जी नमस्ते, नमस्ते, लीजिए लीजिए, आपका पता चला आप लोग आ रहे हैं, स्पेशल मोतीचूर के लड्डू लाए हम। ये तो चकनाचूर हो गया। हाँ तो वही यार, इनसे पूछे क्या है, चकनाचूर कर दिया, अब क्या करे, ऐसा ही होगा। हमने, मैंने किया, आप ही ने किया सर, आप ही फिल्म लेकर आए हैं। अब चकनाचूर को ऐसा थोड़ा गोल गोल कीजिए, मोतीचूर का लड्डू बनाइए, फिर खा लीजिए। और कोई चारा नहीं है। वैसे सर बड़ा अच्छा लग रहा है आपको देख के। अभी आपको फिल्म आया हाउसफुल 4, उसमें आपको डायलॉग बोले ना कि कभी कभी लगता है अपुनिच भगवान है। क्या बात है। हम खाली जानना चाहते हैं कि जब आपको ऐसा लगता है तब आप प्रोड्यूसर से पेमेंट लेते हैं कि चढ़ावा चढ़वाते हैं? अच्छा आते ही शुरू हो गया ना, चाय वाय तो पूछनी मेहमानों से। अरे सर करेक्ट 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 करेक्ट, तो बताइए सर चाय लेंगे, कॉफी लेंगे, या बाप का, दादा का, बेटा का बदला ही लेते रहेंगे? नहीं बदले हो गए बहुत, तो चाय कॉफी चाहिए। अब चाय कॉफी लेंगे। चाय कॉफी लाता ना है यार, कंजूस आदमी, दूध लेके आओ ना। वैसे यार नवाजुद्दीन जी, आप अपना रात को तो काम नहीं करते होंगे ना? क्यों? क्योंकि ये नवाजुद्दीन है, नवाजु रात थोड़ी है। अभी कभी अपुन को लगता है अपुन ही कॉमेडियन है। वैसे सर आप लंच बॉक्स में थे, उसमें इरफान जी भी थे, निमृत जी भी थी, तो आप सभी एक डिब्बे में थे कि अलग अलग डिब्बों में थे? इतने टैलेंटेड एक्टर तेरे सामने बैठे हैं, ये नहीं कि उनसे कुछ सीख, बकवास करता जा रहा है। हमने सीखा ना? क्या क्या सीखा? हमने तो सीख लिया यार कप्पू शर्मा, आप भी कुछ सीखिए। कब तक ये हेलो वेलकम, आइए जाइए, नमस्कार, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। सर ये सब मोह माया है, हाय हाय, सब मोह माया है, खत्म हो जाएगा एक दिन, कुछ नहीं रहेगा, कोई नहीं बचेगा दुनिया में, सिर्फ एक इंसान बचेगा। कौन? त्रिवेदी। कभी कभी अपुन को लगता है अपुन ही कपिल शर्मा है। वैसे आतिया जी आपको देख के भी बड़ा अच्छा लग रहा है। हीरो फिल्म आया था आपका, हीरो हमने देखा, हमको बड़ा अच्छा लगा, फैन है हम क्या, हमारा पूरा खानदान बहुत पसंद करता है, हमारा छोटा सा बच्चा है वो तो आपका ही नाम गुनगुनाता रहता है। क्या गुनगुनाता है?
अतिया मिलाऊं कब अतिया चुराऊं क्या तू नतिया दादू अतिया तूने तातिया ये सब भी ऐसे गाने गाता रहता है बच्चा तू क्या फालतू के जोक मारता रहता है मेहमान जब आते हैं उनके लिए कुछ लेके आकर हम लाए हैं क्या मैम आप अपने फिल्म में एनआरआई लड़का ढूंढ रही हैं हमने ढूंढ लिया कौन वैसे एनआरआई से याद आया आपने ये सिद्धू जी है ना सिद्धू जी वो भी एनआरआई है वो एनआरआई कैसे नहीं रहे इधर एनआरआई कभी कभी अपन को लगता है अपन ही सोनी साहब है नहीं लेकिन सच में लड़का हमने देखा है हष्ट पुष्ट लड़का है कमाल का लड़का है एक वीडियो कॉल करा दें उससे मुलाकात हो जाएगा जी चलो ये क्या है ये क्या कर रहा है घंटी बज रहा है अभी उठाया नहीं है ये लो उठा लिया ए, ए, उधर आएगा देखो ओ ओ वाह वाह हमारा भाई hey, what are your name? Hi, bhai. हमारा भाई है ए, कितना अजीब आदमी मेरे आंखों के सामने करे है ये आदमी को अगर एक पूंछ लगा दे तो ये भैंस जैसे दिखेंगे मैं मजाक कर रहे है ये मेरे भाई ही है बच्चा यादव बच्चा तुम एक काम करो तुम थोड़ा खाया पिया करो तुम अपना चोटी को देखो कितना मुरझा गए मेरा चोटी देखो इधर एकदम बुर्ज खलीफा की तरह सीना तान के करे उधर नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी है नवाज जी हेलो 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 अरे बस 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 इतना हेलो कौन बोलता है भाई मैं इनका भाई का बाप का दादा का सबके हेलो कर दिए आतिया जी आप कितना खुशबूरत है सच बोलेंगे तो आपका खुशबूरती देख के मेरे तो मंगलसूत्र निकल गए आतिया जी अभी हमारे रिश्ते हो रहे हैं तो जरूरी है कि हम एक दूसरे के बारे में जान ले तो सबसे पहले मैं अपने बारे में आपको बताते हैं मेरे चाल चलन बहुत अच्छे है और चाल तो इतने अच्छे है कि शादी के फेरे में जब तक आप तीसरे फेरे तक पहुंचेंगे मेरा सातवां फेरा हो जाएंगे और चलन का तो मैं आपको क्या बताए मेरा चलन कल ही कटे मैं जो करते रहते है वैसे मैं लंदन में बहुत अमीर आदमी है मैं बिजनेस करते है मैं इंडिया से नवाज जी का गाली लेके इधर लंदन में एक्सपोर्ट करते हैं क्या है ये अंग्रेज लोग का गाली में बिल्कुल भी स्वाद नहीं है ये लोग बोलते हैं यू आर स्टूपिड यू आर इडियट यू आर रास्कल ऐसा लगते है गाली नहीं दे रहे हैं बल्कि थैंक यू बोल रहे हैं इसलिए मैं नवाज जी का बाप का बेटे का भाई का दादा का सब गाली उठा के इधर अंग्रेजों को सिखाते है एक मिनट इसलिए भेजा था तुमको विदेश में कि वहां जाके अंग्रेजों को बिगाड़ो अंग्रेजी फिल्मों ने हमें इतना बिगाड़े हैं तो अब हम थोड़ा सा अंग्रेजों को नहीं बिगाड़ सकते हैं क्या वैसे बच्चा आतिया जी को बोलो कि हमको लड़की पसंद है हमको ये रिश्ता वो है वो क्या बोलते हैं वो अफगानिस्तान के कैपिटल क्या है काबुल हाँ मुझे ये रिश्ता काबू है लेकिन जैसे तुमने बातें किया है ना यहाँ पे इनको ये रिश्ता वो है ये इनकी मम्मी का नाम क्या है माना है हाँ तो इनको ये रिश्ता माना है नहीं चलो हटो फोन काट रहे हैं तो पूछ लो मुझे विदेश नहीं जाना ये लड़के का टेंशन मत लीजिए भाई ये हमारा लेकिन हमको ये बातें जमा नहीं जिस तरह कर रहा है लेकिन उसको छोड़िए इसके अलावा हमने आज ही आपके लिए एक और लड़का देखा कहाँ देखा आईने में हम ब्रह्मास्मि माइसेल्फ बच्चा तू तो शादीशुदा है तेरी बीवी का क्या हुआ तो बीवी का क्या वो नवाज जी हैंडल कर लेंगे ना नहीं मतलब हमने देखा फिल्म में देखा आप कह रहे हैं कि आपको कैसी भी लड़की चलेगी तो आपको एक इत्तफाक का बात बताए हमारी बीवी कैसी भी ही है
तो आप थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। तो आतिया जी ये रिश्ता हम पक्का समझे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो टैलेंटेड लड़के से शादी करेंगी? तो हमारे अंदर कूट कूट के भरा है टैलेंट। हम जॉक्स का पिटारा एक रखते हैं। हमारे पास कमाल कमाल के जॉक्स हैं। सुना है एक जॉक? थोड़ा हंसी निकल सकता है। ठीक है, चलेगा। जॉक स्पेस है। हमें बताइए कि पतले लोग अक्सर बहुत रूड एरोगेंट क्यों होते हैं? क्यों? क्योंकि उनके पास तमीज नहीं है। एक और पेश करते हैं। दुनिया का सबसे खतरनाक सांप कहां पाया जाता है? कहां? आस्तीन में। नहीं, ये बात तो मतलब इसमें गहराई भी है। नहीं नहीं है। इससे ज्यादा जहरीला सांप कहीं नहीं हो सकता। तो जॉक्स का पिटारा तो हमने पेश किया। आई विल गिव यू टाइम टू थिंक। आप सोचिए, जल्दी नहीं है। Okay. सर से भी बात कीजिए, सुनील सेट्टी सर से एक बार डिस्कस कर लीजिए कि लड़के में पोटेंशियल दिखा है मुझे, लेकिन पापा आप बताओ। लड़का लड़का ऑब्वियस। हमारी उम्र ही क्या है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, मजा आया मुलाकात करके। आप सोचिए, बताइएगा हमें। चलिए, चलता है। ऑल राइट, थैंक यू। आइए नवाज भाई, आते आइए। एक बार नवाज भाई और आतिया के लिए जोरदार तालियां। धन्यवाद भाई, अथिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत मजा आप लोगों के साथ।